वेलकम गाइस अगेन टू पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सो आज हम सीटेट का जो चाइल्ड डेवलपमेंट का 2019 जुलाई में जो पेपर आया था आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप आप सब सही होंगे। सो आज हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। डिस्क्रिप्शन जो हमें दिया गया ये है, राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कंसाइज दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस द लॉ ऑफ सोशल जजमेंट। जो ये प्रिंसिपल है ये कोलबर्ग की कौन सी स्टेज से मैच कर रहा है, हमें उस स्टेज का नाम बताना है। इसमें एथिकल और रिगार्डलेस इस तरह की बातें हमें डिस्कस बताई गई है। तो जो ये स्टेज होती है इसमें वो लोग आते हैं जो अपना बिना कोई फ़ायदा देखे ही दूसरों का, मतलब दूसरों का भला करना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी आप महात्मा गांधी की बात कीजिए, उन्होंने अपनी जान को हथेली पर रख के उतने पूरे देश के रख सकी, जितने फ्रीडम फाइटर है उन्होंने अपनी जान को परवाह नहीं की, उन्होंने ह्यूमैनिटी की रख सकी, मतलब अपने देश को बचाने की रख सकी। तो ठीक है, हम इसका पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। सेकेंड है द सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। थर्ड है द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। फोर्थ है द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये बिना किसी चीज़ की परवाह किए अपनी जान की बाजी लगा के काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कोलबर्ग की जो थ्योरी है द यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिकल, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, बढ़ते सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द मेजर अकम्पोलिशमेंट ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपने जिन प्याजी में पढ़ी थी, जिन प्याजी ने हमें फोर स्टेज दी थी, पहली स्टेज थी, आप इसको सबसे अच्छा जो स्टेज और इनकी एज याद करने का है मैं आपको बता देता हूँ, एस पी सी एफ। ठीक है, ये होता सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज, एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें आता है 0 to 2 years, 0 का मतलब है यहाँ पे बर्थ, ठीक है, बर्थ से लेके 2 साल तक। और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसका आता है 2 to 7 years। ठीक है, जो बच्चे इस एज में जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक्टिविटी कहेगी। ठीक है, जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आता है 7 to 11। ठीक है, और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये आता है 11 एंड अबव। ठीक है, तो सबसे अच्छा इनको याद करने का जो तरीका है ये है एस 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 पी सी एफ। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो बढ़ते हम जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, वन ऑफ द मेजर अकम्पोलिशमेंट ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कंक्रीट ऑपरेशनल कौन सी स्टेज है, एस पी सी, मतलब कौन सी स्टेज है, थर्ड स्टेज। तो इसमें हम देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है, एनालिटिक थिंकिंग एबिलिटी टू कंजर्व। थर्ड है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। फोर्थ है सेकेंडरी करिकुलर रिएक्शन, सर्कुलर रिएक्शन। तो आप बताइए सेकंड वाले का क्या ऑप्शन होगा, मतलब 7 to 11 years में बच्चा क्या कर पाएगा, एबिलिटी टू कंजर्व। ठीक है, एबिलिटी टू कंजर्व, इस एज में जो बच्चा है एबिलिटी टू कंजर्व। सपोज आपने एक ग्लास लिया, ये आपका ग्लास हो गया एंड ये आपका एक कोई बड़ा बर्तन हो गया। ठीक है, अब अपने बच्चे को एबिलिटी टू कंजर्व उसमें आ जाएगी, अगर आप बच्चे को आप एक वो देना चाह रहे हो, आपने 1 ml अपनी मान लिया आप एक फ्रूटी लाए हो, ठीक है, आप उसको फ्रूटी डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, एक बच्चे को दे दिया आपने ग्लास में, ग्लास में फ्रूटी का लेवल आया यहाँ तक और जो आपका जो बड़ा बर्तन था उसमें फ्रूटी आई यहाँ तक, अब बच्चा लड़ाई नहीं करेगा, कहेगा कि इसके पास ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा है लेकिन मेरे पास कम है। अब बच्चे में ये समझ पैदा हो चुकी है कि वो समझ लेगा कि ये बर्तन थोड़ा हाइट मतलब पतला है तो इसमें उसकी हाइट बढ़ गई है। ठीक है, अब बच्चा जो उसने सोचा है उसको रिवर्स बैक सोच पाएगा। इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप बच्चे को सपोज अपने घर से फर्स्ट टाइम स्कूल से
यहाँ पर ले गए स्कूल में, ठीक है ये स्कूल है, ठीक है अब आप स्कूल में छोड़ता है इसको, लेकिन अब स्कूल में से वो खुद आने की इतनी कैपेबिलिटी है उसके अंदर कि वो स्कूल से खुद वापस लौट आएगा, ठीक है। ये कौन सी, ये हमारा एबिलिटी टू कंजर्व, ठीक है, रिवर्स सोच पाएगा। अब थर्ड ऑप्शन पे बढ़ते हैं हम, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड ले वाइगोत्स्की व्यूज लर्निंग एज, जो हमारे जीन पियाजे थे और वाइगोत्स्की थे, उन्होंने जो हमारी जो लर्निंग है उसको कैसे देखा, उनका परसेप्शन क्या था देखने के। तो फर्स्ट है एक्विजिशन ऑफ स्किल, कि बच्चे स्किल को एक्वायर कर लेते हैं। सेकंड है कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, जो हम बच्चे को मतलब उसको कंडीशनिंग करते हैं कि वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, जैसे हमने थॉर्नडाइक और उनकी थ्योरी पढ़ी है, वो कंडीशनिंग करते हैं, लेकिन ले वाइगोत्स्की और जीन पियाजे से रिलेटेड नहीं है। थर्ड देखते हैं हम पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस। फोर्थ है प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, ठीक है। तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर सबसे सही होगा। वेरी गुड, फोर्थ। तो ले वाइगोत्स्की और जो जीन पियाजेट थे, इन्होंने बात किया सोशल कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, बच्चा खुद की नॉलेज खुद ही कंस्ट्रक्ट करेगा। जैसे जीन पियाजेट ने तो बच्चे को कहा है कि ये रेडिकल कंस्ट्रक्टर होते हैं ना, जो टीचर होता है बेसिकली फैसिलिटेटर का काम करता है, ठीक है। जीन पियाजेट ने कहा कि कंस्ट्रक्टर होते हैं खुद के, और जो वाइगोत्स्की थे इन्होंने बोला कि जो बच्चा है वो अपने सोशल इंटरेक्शन से सीखेगा, ठीक है। तो दोनों में बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ठीक है। बढ़ते फोर्थ क्वेश्चन पे, सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरी एंड क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मैन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू, कि हमने ये हमें हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कत्रों का कतरन का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं को चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए ये प्रभावी रणनीति है, मतलब स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ता हूँ, प्रमोट जेंडर बाइस। सेकंड है प्रमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी। थर्ड है एनकरेज स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल। फोर्थ है काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप। अगर आप बच्चों से करा रहे हो कि बच्चा करे, कि अगर आप न्यूज़पेपर से कटिंग करा रहे हो, और वो जो हमारा नॉन ट्रेडिशनल वे है, ट्रेडिशनल वे है, उससे हटके जैसे घर में एक स्टोरी चिपका रहे हो आप, कि पेरेंट जो फादर है वो ऑफिस जा रहा है, मोम हाउस वाइफ है वो घर पे मतलब झाड़ू पोछा खाना वाना सब कर रही है, लेकिन आप स्टोरी को इस तरह से उसकी कतरन जो कटिंग करवा रहे हो कि दोनों बिना किसी बायसनेस के, कि मम्मी भी ऑफिस जा सकती है, पापा भी ऑफिस जा सकते हैं, पापा भी घर का काम कर सकते हैं, आप उस तरह से उसकी कटिंग करवा रहे हो, तो ये किस चीज़ को प्रमोट करेगी, काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है समझ गए। बढ़ते फिफ्थ क्वेश्चन पे, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चाइल्ड सोशलाइजेशन, बच्चे के सोशलाइजेशन में कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा मीडिया, सेकेंड है स्कूल, थर्ड है फैमिली एंड फोर्थ है नेबरहुड, ठीक है। तो आप बताइए इसमें कौन कौन से हमारी जो सोशलाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, मीडिया ऑफ कोर्स करता है, स्कूल, स्कूल तो हमारा फैमिली के बाद जो सोशलाइजेशन प्लेस होता है स्कूल ही होता है, नहीं थर्ड होता है, क्योंकि सेकंड नेबरहुड होता है, फर्स्ट फैमिली जब हम बेबी बोर्न होते हैं तो उसका सोशलाइजेशन पहली बार घर से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। सब मम्मी पापा उसको अच्छी अच्छी जो उनके कल्चर के हिसाब से जो उनकी चीज़ें हैं उनको सिखाना शुरू करते हैं, एंड नेबरहुड उसके फैमिली पड़ोसी फ्रेंड्स वो सब नेबरहुड में आ जाते हैं। तो ये जो हमारी सोशलाइजेशन एजेंसी है फोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और चारों ही बच्चों को सोशलाइज करने के लिए हेल्प करती है। बढ़ते सिक्स क्वेश्चन पे, सिक्स क्वेश्चन है एज पर हार्ड गार्डनर थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज, ठीक है। जो हार्ड गार्डनर थे उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था, उन्होंने 11 टाइप के इंटेलिजेंस दिए थे, कि जो अलग अलग तरह के अलग अलग सब में अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस पाए जाते, जैसे एक पोएट पोएट है, पोएट में वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के रिलेटेड उसमें पाया जाएगा, अगर कोई सिंगर है उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाएगा, अगर कोई इंजीनियर है उसमें स्पाइटल मतलब स्पेस को लेके इस जगह में ये आ जाएगा उसको लेके इंटेलिजेंस पाया जाएगा, ठीक है। तो हावर्ड गार्डनर ने 11 तरह के इंटेलिजेंस दिए थे, तो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एबिलिटी टू डिटेक्ट द एंड रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स टेम्परेट मोटिवेट्स
एंड इंटेंशंस ऑफ अदर। जो एक इन्होंने एक इसके मतलब एक सिचुएशन दी है कि जब हम किसी दूसरे के हाव भाव को उनकी उनका मूड को परख लेते हैं, ठीक है, या उसी तरह से हम रिस्पॉन्स करते हैं जैसे अगले का मूड है, जैसा अगले को आंसर चाहिए, तो ये किस तरह का इंटेलिजेंस है। फर्स्ट ऑप्शन है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, सेकंड है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, थर्ड है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, फोर है थेरेपेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आप सिक्स में बताइए, जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो और उसकी चीज़ों को समझ लेते हो, आप सपोज़ आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, फ्रेंड थोड़ा गुस्से में है, तो आप उसको उसी तरह से आंसर देते हो ना, तो ये आपका इंटेलिजेंस है किस कैटेगरी में आएगा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जब हम एक दूसरे से अंत आप खुद से करते हो वो होता है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, ठीक है, जब आप खुद से करते हो इंट्रा मतलब आपके अंदर ही, आपको खुद ही आप खुद को गाइड करो, जब आप एक दूसरे से बात करते हो होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें आपका थर्ड आ गया। बढ़ते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें से बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा एक अप्रोप्रिएट रीजन है। फर्स्ट पढ़ता हूँ, टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इन टू नॉन अचीवर, लो अचीवर, एवरेज, हाई अचीवर्स। सेकेंड है टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम। थर्ड है टू फाइंड आउट व्हाट चेंज एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक प्लेस इन द चाइल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फोर्थ पढ़ता हूँ, टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस एरिया ऑफ द चाइल्ड्स विद पेरेंट। तो हम देखते हैं इसमें हमें ग्रुपिंग करनी है बेसिकली। सबसे पहले ऑप्शन है टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इनटू, बेस जो असेसमेंट होता है ना वो कभी बच्चों को लेबल करने के लिए तो होता ही नहीं है। ठीक है, पहले को तो मैं कर देता हूँ कट। ठीक है, बढ़ते आगे। सेकंड, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑफकोर्स अगर आप असेसमेंट कर रहे हो तो आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, अब बढ़ते थर्ड पे, टू फाइंड आउट द व्हाट चेंज एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक प्लेस इन द चाइल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे की क्या एटीट्यूड में क्या चेंज आया, बेसिकली लर्निंग कितनी हुई बच्चे की, ये भी सही है। टू डिस्कस द कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजिंग एरिया ऑफ द चाइल्ड्स विद द पेरेंट। ऑफकोर्स अगर आप बच्चों को बच्चे की कैपेबिलिटीज समझ पाएंगे, आप उसको अगर बच्चा समझो कि आप मैथ्स में बहुत अच्छा है और आप उसको इंग्लिश रटाने में लगे पड़े हो, वो नहीं कर पाएगा। आप बच्चे की उसकी कैपेबिलिटी समझिए और उसके पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स उसको समझेंगे, उसी तरह से उसको गाइड करेंगे, उसी फील्ड में उसको जाने की इजाज़त मतलब उसी उसमें उसको प्रमोट करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाता है, इसमें हो जाता है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए कौन से में, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वेरी गुड, ये हमारे थर्ड ऑप्शन में है, तो हमारा यहाँ पे थर्ड सही है। अब बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके बारे में क्या सही है, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड लर्निंग, की जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड लर्निंग है, कि टेक्स्ट बुक हमारी इंपॉर्टेंट है और बच्चे को उसी पे बेस बाइस रहना चाहिए कि टेक्स्ट बुक पढ़ो और काम हो गया। सेकंड है बिलीव इन कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। ठीक है, बात कुछ हद तक सही लग रही है। थर्ड देखिए स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, कि बच्चों को समझाए कुछ ना पढ़ाए, कुछ ना स्टैंडर्ड टेस्ट ले लें उनसे। फोर्थ है इंटरेस्टिंग मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर। बताइए आप इसमें एट्थ क्वेश्चन का। सेकंड, वेरी गुड, बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड द पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, कि हमें बच्चों की कैपेबिलिटी देखनी चाहिए, उनका इंडिविजुअल डिफरेंस देखना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें उनको एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। बढ़ते नाइन्थ क्वेश्चन पे, टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डेवलपमेंट इज एन इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑप्शन है कि एक इंडिविजुअल डिफरेंस को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो वो डेवलपमेंट में किस हद तक इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिवन ईच पर्सन टू स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ। सेकेंड है टू लुक एट द इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स। थर्ड है टू कंसिडर मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन। ठीक है, और फोर्थ है टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड देयर इंटरप्ले। तो आप मुझे बताइए इसमें नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा।
जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है ना, कि अगर कोई बच्चा हर इस दुनिया में हर कोई यूनिक है, बिल्कुल अलग है, हर की कैपेबिलिटी, किसी का जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी, सबका स्ट्रेंथ, सबका बिल्कुल अलग है, सब एक तरह में बिल्कुल यूनिक है, कोई किसी की तरह बन नहीं सकता। अगर ट्विंस में है ना, वो भी एकदम अलग है। तो फोर्थ पढ़ते हैं, टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड देयर इंटरप्ले। ठीक है, जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो इनहेरिटेड भी होता है, मतलब कि जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है वो भी होता है, और जो हम इन्वायरमेंट से हमें डिफरेंट, अगर दो बच्चे ट्विन्स हैं वो किसी इन्वायरमेंट रहता है, वो किसी इन्वायरमेंट रहता है, तो दोनों का ना अलग अलग कैपेसिटी कैपेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें फोर्थ बिल्कुल सही है। बढ़ते 10th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? फर्स्ट है इंडिविजुअल डेवलपमेंट एट डिफरेंट रेट्स, जो इंडिविजुअल है उसका जो डेवलपमेंट है अलग रेट से होता है। डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली। थर्ड है डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फोर्थ है एग्जैक्ट कोर्स ऑफ नेचर एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इट्सेल्फ। ठीक है, इसमें आपसे नोट पूछा है, ध्यान रखना, समझे, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, इसमें नोट पूछा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डेवलपमेंट इट डिफरेंट पे, अगर इंडिविजुअल का, अगर मैंने अभी बताया ना इंडिविजुअल है बेसिकली, उसका अलग डेवलपमेंट जाएगा, कैपेसिटी उसकी अलग होगी, कैपेबिलिटी अलग होगी इंडिविजुअल की, तो ऑफकोर्स डेवलपमेंट भी उसका अलग होगा। सेकेंड है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, हर किसी का डेवलपमेंट, हर किसी का किस ऑर्डर में जा रहा है, किसी का किस ऑर्डर में जा रहा है। अब आप देखिए, कोई 10 साल में अच्छे, मतलब उसका एक जो बॉडी है या उसका स्टेमिना है, हेल्थ है, वो एक अच्छी बन जाती है, किसी का कम बनता है, तो अलग अलग तरीके से है सब। डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समझ गए, मतलब टाइम इंटरवल के साथ साथ डेवलपमेंट चेंज होता है। ठीक है, अब एग्जैक्ट कोर्स, तो अब इसमें लिखा है कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो जन्म के समय तय हो जाता है। भाई ये कौन सा तरीका, अगर बच्चा एक बार, चलो मान लो बर्थ के टाइम बहुत हेल्दी हुआ है, ठीक है, अब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर केयर ना मिले तो डेवलपमेंट रुक जाएगा ना उसका, तो ये डेवलपमेंट का कभी भी वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हमने नोट पूछा था, हमने फोर्थ ऑप्शन इसका सही लगा दिया। बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे, सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन बोथ विद बॉयज़ देन गर्ल, वट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। जो टीचर होते हैं उनका जो इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादातर बॉयज़ की तरफ होता है देन गर्ल्स। ठीक है, ये क्या एक्सप्लेन करता है? फर्स्ट, बॉयज़ हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज देन गर्ल। जो बॉयज़ होते हैं उन वो ज़्यादा, मतलब एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, कि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा अच्छे होते हैं। सेकेंड है, बॉयज़ नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स। जो बॉयज़ हैं उनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए गर्ल्स के मुकाबले। थर्ड है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग, ये जेंडर वाइज है टीचिंग में। फोर्थ बढ़ते हैं, बॉयज़ आर इजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन द क्लासरूम। बॉयज़ को ज़्यादा ईजी होता है मैनेज करना देन गर्ल्स। तो बताइए किस तरह की सोच है? वेरी गुड, ये जेंडर वाइज, किसी भी तरह में कोई भी कम नहीं होता, ना बॉयज़ गर्ल्स से कम होते, ना गर्ल्स बॉयज़ से कम होती, ये हमारा एक जेंडर वाइजनेस है। ठीक है, बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे, 12th क्वेश्चन है हमारा, द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज़ अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अगर आपने क्लास में कोई प्रॉब्लम पेश की बच्चों के सामने और बच्चे उसको डाइवर्जेंटली सोल्यूशन करके ला रहे, कि किसी ने कोई, मतलब अलग तरीके से सॉल्व किया, किसी ने कोई लॉजिक उसमें लगाया, तो ये किस तरह का एक वो है? फर्स्ट है एगोसेंट्रिक चिल्ड्रन, सेकेंड है इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, थर्ड है क्रिएटिव चिल्ड्रन, एंड फोर्थ है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। अब आप ही बताइए, अगर आपने कोई प्रॉब्लम बच्चे को सोच, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया, बच्चों ने उसको अलग अलग तरीके, अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से उसको सॉल्यूशन दिया उसका, तो वो एगोसेंट्रिक चाइल्ड तो बिल्कुल नहीं होंगे। इम्पेयर्ड क्यों होंगे? इम्पेयर्ड का मतलब किसी को दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, ऐसे तो नहीं होंगे, हो सकता है, लेकिन इसमें क्रिएटिव है ना, वो क्रिएटिव मतलब कुछ नया क्रिएट करके ला रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या थर्ड ऑप्शन सही होगा। बढ़ते 13th क्वेश्चन पे, वट इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन शुड बी अ टीचर मेक वाइल वर्किंग विद स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड। इसमें टीचर को क्या करना चाहिए अगर वो डील कर रहा है एक विजुअली चैलेंज्ड बच्चों से? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा टू
स्पीक क्लियरली एंड यूज़ अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल, कि जो टीचर है उसको एकदम क्लियर बोलना चाहिए और जो टच फील वाले मटेरियल है ना, जैसे ब्रेल ब्रेल टाइप जो है लिपि है, अबेकस यूज करना चाहिए ज़्यादातर, जिसको बच्चा टच करके समझ पाए, ठीक है। सेकंड है यूज़ अ वैरायटी ऑफ विजुअल विजुअल प्रेजेंटेशन, कि जैसे आपने विजुअल आप पीपीटी दिखा रहे हो बच्चों को, अरे यार जब वो विजुअली इम्पेयर्ड है, विजुअली चैलेंज है, उसको दिख नहीं रहा तो आप दिखाने की चीज़ क्यों कर रहे हो, अगर वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसे दिख नहीं रहा। थर्ड है ओरिएंटेशन हर सेल्फ सो दैट स्टूडेंट्स कैन वॉच हर क्लोजली, कि मतलब जो चीज़ आप दिखा रहे हो ना उसके सामने प्रस्तुत कर दो, उसको वो देख लेगा भाई, जब उसकी आँख ही ख़राब हो देख कैसे पाएगा। फोर्थ है फोकस अ वैरायटी ऑफ रिटर्न टास्क स्पेशली वर्कशीट, उसको रिटर्न टास्क फोकस कर दो उसको लिखने के लिए, तो भाई समझ नहीं आया तो लिखे कैसे, तो इसमें हम बच्चों को जो फिजिक वो विजुअली इम्पेयर्ड है, विजुअली चैलेंज है, उनके लिए हमें टीचर्स को बिल्कुल क्लियर बोलना है और टच फील मटेरियल उसको ज़्यादा प्रोवाइड कराना है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें हमारा। बढ़ते 14 क्वेश्चन पे, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, जो कोऑपरेटिव लर्निंग है और पीयर ट्यूटरिंग है, कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को ही मतलब सॉल्यूशन ले ले या डिस्कस कर ले चीज़ों को, वो हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कैसे क्या करना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन इंक्लूसिव क्लासरूम, अगर इंक्लूसिव क्लासरूम है तो हमें पीयर ट्यूटरिंग को और कोऑपरेटिव लर्निंग को, फर्स्ट ऑप्शन है शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, सेकंड है शुड बी एक्टिवली डिस्करेज्ड, थर्ड है शुड बी ओकेजनली यूज्ड, फोर्थ है शुड नॉट बी यूज्ड। तो अगर हमारा प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, इंक्लूसिव क्लासरूम है, तो हमें पीयर ट्यूटरिंग को और जो कोऑपरेटिव लर्निंग है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए एक्टिवली, ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते 15 क्वेश्चन पे जो आज के लिए लास्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। फर्स्ट है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, सेकेंड है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, थर्ड है प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग, फोर्थ है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। अगर आप समझिए, अगर आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम है, इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ये है कि उसमें अलग अलग तरह के अलग अलग कोई भी फिजिकली इम्पेयर्ड या विजुअली इम्पेयर्ड सारे चाइल्ड आएंगे, या कोई थोड़ा आईक्यू में जिसका इंटेलिजेंस थोड़ा कम है, आईक्यू थोड़ा कम है, ब्राइट सब आएंगे, तो आपको उसके लिए यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन तो यूज़ करोगे नहीं, आपकी सबके लिए एक ही चीज़ पढ़ाओगे, ठीक है। सेकेंड है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट तब होते हैं जब आप ईयर एंड पेपर लेते हो, ठीक है, बच्चे को ग्रेड या उसको फुल असेस करने के लिए। थर्ड है प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग, भाई अरे यार सब अलग अलग कैपेबिलिटी के, सब अलग अलग समझते हैं, सबको अलग अलग प्रॉब्लम है, यस हर किसी का बैकग्राउंड अलग है, तो आपको लिए इंडिविजुअल प्लान, इंडिविजुअलाइज्ड प्लान, कि बच्चे का जो वो है ना इंडिविजुअल डिफरेंस समझ के उसको उसी तरह से उसके लिए प्लान सेट करना है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या सही होगा, इंडिविजुअल प्लान, उसको इंडिविजुअलाइज्ड प्लान उसको प्रोवाइड करना है। सो जो आप समझिए फिजिकल जो विजुअल इम्पेयर्ड, हमने ऊपर क्वेश्चन किया विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड है, तो आप उसको ये तो है नहीं कि आप उसको मतलब उसके सामने प्रोजेक्टर चला के छोड़ दोगे वो समझ लेगा, उसके लिए हमें आपको ब्रेल लानी होगी। अगर आप समझिए किसी को सुनने में परेशानी है या, तो आप उसको दिखाने में मतलब उसको आप पीपीटी दिखाएंगे, उसको आप वीडियोज़ दिखाएंगे, ठीक है, समझ गए ना। तो हर किसी के लिए इंडिविजुअल प्लान सेट करना होगा आपको। सो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको ये पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।